नमस्कार। सोलापुर नंबर 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोलापुर शहर में जो इज्तिमा चल रहा है, सोलापुर से करीब 5 किलोमीटर पे कुंभारी के करीब हम उस इज्तिमा में मौजूद है। आज इज्तिमा के तल्लुक से यहाँ पर जो इज्तिमा में होता है उसके बारे में हम कुछ यहाँ के लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में एक दोस्त है, यहाँ पे जो एक साथी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ शहर सोलापुर में बहुत बेहतरीन इज्तिमा होने जा रहा है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तादाद इतनी बड़ी हो गई है, अभी जैसा वक्त ख़त्म हो रहा है वैसे तादाद बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा को बहुत बेहतरीन यहाँ से सोलापुर के जो नौजवान साथी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूँ कि इज्तिमा ख़त्म होने के बाद भी जो सही सलामत अपने जो जहाँ से शहर से भी आए हैं हजरात वो सही सलामत अपने मकाम पर पहुँचे, ये हमारा ऐसा सोच है और हमारी ऐसी इरादा है। इस इज्तिमा की तैयारी कितने दिनों से चल रही थी? इस इज्तिमा की तैयारी जो है तकरीबन की 3 महीने से तैयारी चालू थी। 3 माह से तैयारी चल रही थी। आज इज्तिमा का कितवा दिन है? ये जो है दूसरा दिन है इज्तिमा का। आज लास्ट 2 दिन के लिए है, शनिवार संडे 3 और 4 तारीख का इज्तिमा है। आज लास्ट दिन इज्तिमा है, मगरिब के बाद इंशाल्लाह दुआ होंगी और इज्तिमा यहाँ पे खत्म होगा। आपका नाम? मोहम्मद जुनैद। आप कहाँ से? हम घरकुल विड़ी घरकुल से। नया घरकुल या पुराना घरकुल? पुराना घरकुल। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछने की कोशिश करूँगा कि इज्तिमा में अक्सर होता क्या है? इज्तिमा में अक्सर रसूल सल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है, ज़िंदगी कैसा जीना है उसके बारे में बताया जाता है और किस तरह कैसे हाल में रहे रसूल सल्लम और हम कैसे हाल में रह रहे हैं, इसके लिए सही तालीम दी जाती है। आज आप यहाँ पर इज्तिमा में मौजूद हैं तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा है, दिन की बात भी अच्छी हो रही है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर ख़ास करके इज्तिमा के अंदर क्या बताया जाता है? यही रसूल सल्लम की ज़िंदगी के बारे में, कैसे रसूल सल्लम ज़िंदगी अपनी गुजारे और हम कैसा गुजार रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है, वो गलतियों को सुधारने के लिए वो बातें बताई जाती है। जहाँ पर ताम लगा हुआ है उस ताम के अंदर खड़े हैं, ताम के मायने होते हैं खाने का, जहाँ पर खाना खिलाया जाता है तो उस लंगर खाने के ताम के जिम्मेदार हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अकरम अली हैदर। आप यहाँ पर कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है पिंडाल जुमा को शाम में लगा, लेकिन खाना जो हमारा शुरू जो है शनिचर के दोपहर से शुरू हो गया खाना हमारा। अभी आपके पिंडाल में किस तरह से खिदमत अंजाम दी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ खिदमत जो है अंजाम बहुत भरपूर अच्छे तरीके से दी जा रही है। माशाल्लाह खाने वाले साथियों को जो है इकरामन तौर पे जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है उनको इकराम किया जा रहा है और जितना बेहतरीन हो सके हम लोग उनको फ्रेश खाना ताज़ा खाना हम लोग खिला रहे हैं। माशाल्लाह खाने के अंदर अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई। अक्सर जो भी खाने वाले साथी आए उनसे हम पूछे भाई हमारे खाने में कैसे क्या कुछ शिकायत है, साथी हमको बोले माशाल्लाह खाना बहुत बेहतरीन है। आपका नाम? अब्दुल रजाक। आप यहाँ पर जो खिदमत कर रहे हैं, खिदमत करते वक्त कुछ आपको दिक्कत हुई? वैसा तो कोई नहीं, सब अल्लाह के लिए आए, सब अल्लाह के लिए खिदमत कर रहे हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, मगर अल्लाह के लिए सब काम कर रहे हैं। खाने में क्या क्या दिया जा रहा है? खाने में कल पहले दिन एक टाइम को ताजा खाना दिए, रात में चिकन की दम बिरयानी दिए, दिन भर ताजा खाना चालू। इस इज्तिमा में आप लोग पहले भी ये पिंडाल में जो है खाने का इंतजाम करते थे क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मशवरे से जो है बड़ों जो मशवरे से तय करते हैं, जहाँ हम लोगों को खिदमत का जो मौका मिलता है वहाँ हमारे जो है अकलकोट कसम लगते हैं और खिदमत करते हैं। आप हर जिले में जाकर के इंतजाम करते हो? नहीं, हर जिले में तो नहीं, जहाँ मशवरे से तय होता है जहाँ वो जिले में जाकर के हम लोग का मशवरे से तय होने के बाद जो है खिदमत का इंतजाम देते हैं हम लोग। आप प्रॉपर कहाँ वाले? हम अक्कलकोट। अक्कलकोट वाले? अच्छा, और भी यहाँ पर साथी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है इज्तिमा के अंदर? माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास में जो है खिदमत कौन सी दी गई है?
हमारे हमारे साथ में खिदमत अभी जो है हमारे तालुके के हिसाब से हमारे हल्के के जिले को दिए, हम दियात से आए, खेड़े से आए। में आने वाले साल में जो इज्तिमा होने वाला है उसके ताल्लुक से कुछ बताया गया है? आने वाला तारीख अभी निकाले नहीं, इंशाल्लाह ये लास्ट में जो दुआ होगी उस वक्त जो बाद में हमारा मशूरा होगा उस वक्त मशूरे में इंशाल्लाह उसकी तारीख निकाली जाएगी, उसके बाद हमको सबको इतला दिया जाएगा फलाना ये तारीख को इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह अगले मई अगले साल के लिए खुल के। अभी हमारे साथ में दूसरे भी यहाँ पे भाई है, उनके पास बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? आपका नाम? हिम्मत अली। कहाँ से आए आप? हालगी से। कौन सी खिदमत कर रहे हो आप? हमें लोग को जुड़ाने का, बयान सुनाने का और उनको 40 दिन 4 महीने जमात में निकालने का और उनको क्या अल्लाह की बढ़ोतरी बोलने का, ऐसा उनकी तारीफ अल्लाह की तारीफ करने का, लोग को जुड़ाने का, एक अल्लाह की दावत देने के लिए इस्तेमाल कैसे है। अभी हमारे साथ में यहाँ की और भी जो खिदमत में साथी है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? सुहेल अंसारी। आप कौन से यहाँ पर क्या काम कर रहे हो? खिदमत कर रहे हैं। कौन सी खिदमत में आप? काम के अंदर। अच्छा, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पर? दो दिन हो गए। अभी जो है आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर? सुलेजोड़ी से। कहाँ से? सुलेजोड़ी से। अच्छा, आपका कितवा दिन है इज्तिमा के अंदर? कल से। दो दिन हो। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? ठीक लग रहा है, सुकून लग रहा है। अच्छा, अभी आप आगे यहाँ से इज्तिमा के बाद कहाँ जाने वाले हो? कौन को जाएंगे? आज यहाँ के इज्तिमा में हमारे साथ में हाफिज साहब है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप ये बताएं कि इज्तिमा में होता क्या है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालु और रहम करने वाला है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इज्तिमा करने का असल मकसद क्या है और इस इज्तिमा के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस इज्तिमा करने का जो मकसद है, अहम मकसद, कि आज पूरी दुनिया और इस दुनिया के अंदर सबसे अहम और मेन जो पावर है वो इंसान की तरफ से सप्लाई होता है और इंसान ये जो है ना वो बिगड़ रहे हैं और लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो लोगों को किस तरीके से सही रास्ते पर लाना है ये उसकी मेहनत है। और जब तक हम लोगों के दिलों के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, लोगों को हम परमेश्वर की यानी कि अल्लाह की और अल्लाह के जो पैगंबर हैं, जो जिनका नाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तक हम उनका पैगाम हम ये लोगों को नहीं सिखाएंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को जो प्रैक्टिकल तरीका बतलाया है वो तरीका जब तक हम इन लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। और इन लोगों को सुधारने के लिए ये इज्तिमात रखे जाते हैं और इस इज्तिमात के जरिए से बड़े बड़े अल्लाह वाले जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम इस उम्मत तक पहुंचाए हैं वो पैगाम को लेकर के सारे आलम के अंदर दूर दराज से सफर करके सारे आलम के मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं और वो अपना जान, अपना माल, अपना वक्त लेकर के यहाँ पर आकर के लोगों को सिखाते हैं कि दुनिया के अंदर किस तरीके से जिंदगी गुजारना है, दुनिया के अंदर हमें लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमानों के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, अगर कोई हमारे मजहब से हट करके जो दूसरे धार्मिक लोग हैं उनके साथ में हमें किस तरीके से, किस रवैये से, किस इंसानियत के साथ, जाति धर्म को छोड़ करके मानव जाति के साथ में हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल तरीका जो है ना यहाँ पर लोगों को बतलाया जाता है। और यहाँ पर कोई जात पात धर्म की बात नहीं होती बल्कि यहाँ पर जो है सारी इंसानियत के अंदर किस तरीके से फैज पहुंचाया जाए, सारी इंसानियत को किस तरीके से फायदा हो जाए अपनी जात से लेकर के, कि हमारी अपनी जात से लेकर के किसी को नुकसान ना हो, ये सारी बातें जो है ना यहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर के बतलाते। इस इज्तिमा में कितनी पब्लिक होगी आपके अंदाज से? इस इज्तिमा की कितनी पब्लिक होगी अंदाजा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वॉलेंटियर हजरत और जो दफ्तर तहकीकात है उनके पास में अभी सारा रिकॉर्ड आया हुआ नहीं है। जब उस रिकॉर्ड को लेकर के हम इसकी डिटेल निकालेंगे तब जाकर के पता चलेगा। फिर भी 25,000 से 30,000 तक की पब्लिक आने का अंदेशा है। 25,000 से 30,000 तक की पब्लिक आने का अंदेशा है। आज जो है सोलापुर शहर में जो इज्तिमा हुआ उसमें हमने यहाँ के कई लोगों से बात की। मैं सोलापुर नामा 24 न्यूज चैनल से सादिक शेख, वीडियो जर्नलिस्ट मुर्तुज शेख के साथ।